यूक्रेन जंग के 97वें दिन बीत चुके हैं। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी शहर सेवरोडोनेटस्क में एक केमिकल प्लांट पर हवाई हमला किया है। इस प्लांट में मौजूद नाइट्रिक एसिड के एक टैंक पर हमला हुआ। लुहानसक के गवर्नर सरगई गेडे ने बताया कि रूसी सैनिकों ने केमिकल प्लांट के टैंक पर हमला किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। राम मंदिर का गर्भगृह कमल की आकृति का 8 कोण वाला होगा। इसकी दीवार 6 फीट मोटी होगी, जिसका बाहरी हिस्सा पिंक स्टोन का होगा। इसका कलश 161 फीट ऊंचा रहेगा। इस अवसर पर स्वामी परमानंद सहित राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 100 से ज्यादा संतों सहित 300 लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। स्मृति ईरानी ने बुधवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल से सवाल किया कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तारी के बावजूद मंत्री पद पर कैसे बरकरार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैन ने शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की और उनके पास दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के पास 200 बीघा जमीन है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 2,500 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 2,784 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2,236 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 53,28,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 63,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.83 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। पैसिफिक महासागर में इस साल के पहले तूफान अगाथा ने दक्षिणी मेक्सिको में तबाही मचा दी है। तूफान के कारण बाढ़ आ गई है और कई इलाकों में भूस्खलन हुआ। यहां कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग लापता हो गए हैं। हुआ तुलकु के रिजॉर्ट के पास 3 बच्चों के लापता होने की खबर भी है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन से बाहर हो गए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन जोकोविच को लाल बजरी के राजा कहे जाने वाले राफेल नडाल ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 से हराया। इस जीत के साथ ही नडाल टेनिस के मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनका सामना 3 जून को तीसरी सीड अलेक्जेंडर जेवेरेव से होगा। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जारी हो गई है। बुधवार को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 135 रुपए सस्ता हो गया है। नई कीमत जारी होने के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम 2,219 रुपए, कोलकाता में 2,322 रुपए, मुंबई में 2,171.50 रुपए और चेन्नई में 2,373 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इस बार देश में पिछली बार से अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने इस बार जून से सितंबर तक देश में 103% बारिश की उम्मीद जताई है। विभाग ने महीने भर पहले देश में 99% बारिश का अनुमान लगाया था। जून में पंजाब में भी मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है।